बॉलीवुड का फेवरेट पास टाइम वेडिंग्स अटेंड करना है। रिसेंटली हुए एक डॉक्टर फैमिली की शादी के रिसेप्शन पर राकेश रोशन और प्रीतिश नंदी के साथ हमको जहां देखने को मिले बॉलीवुड के कई खोए हुए चेहरे, जैसे कि ऋषिता भट्ट, मौसमी चटर्जी एंड मनोज बाजपेयी, जिनको जरूरत पड़ती है एक इंट्रोडक्शन की, तो वहीं सच सवर के आए कुछ ऐसे लोग जिनका अभी बॉलीवुड में इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है, जैसे कि चेतन गाडगे और नाजिया हुसैन, जो कर तो चुके हैं दो दो मूवीज, बस इंतजार कर रहे हैं उनकी रिलीज का। और वहाँ आई गेस्ट को इंतजार था धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का। माधुरी दीक्षित वाज मोर देन फैशनेबली लेट इन द ग्लिटरिंग बेज साड़ी। माधुरी लग रही थी काफी गॉर्जियस एंड वी कुडंट हेल्प नोटिसिंग कि धक धक गर्ल ने लूज किया है काफी वेट। तभी तो अभी तक इवेंट्स पर कभी हैवी साड़ी के पल्लू से तो कभी हाथ से टमी छुपाने वाली माधुरी इस बार ट्रांसपेरेंट साड़ी में कर रही थी अपनी वेस्टलाइन को फ्लॉन्ट। बट माधुरी से एक गलती हो गई, उनके आने का टाइम मैच हो गया दिलीप साहब और सायरा बानू से। बस फिर क्या था, जब सामने हो एक लेजेंड तो गेस्ट एंड मीडिया कैसे नहीं हो जाएंगे क्रेजी। पीपल फॉरगॉट अबाउट माधुरी एंड जस्ट वेंट गशिंग ओवर दिलीप साहब। माधुरी को ये बात शायद पसंद नहीं आई और वो फटाफट कपल को एक कर्सरी विश करके तेज कदमों से चली गई। शी डिडंट इवन इंटरैक्ट विद द मीडिया। बट माधुरी की कमी किसी को खाली नहीं जब सामने थे दिलीप साहब एंड सायरा बानो। जूम की जर्नलिस्ट हु वाज क्लोज टू दिलीप साहब नोटिस्ड दैट डिस्पाइट बीइंग वेरी इल, दिलीप साहब नहीं भूले अपनी शिवलरी। दिलीप साहब थे इतने वीक दैट उन्हें जरूरत थी हेल्प की इवन टू वॉक। उस पर भी जब दरवाजे के पास उन्होंने देखा एक रैंडम लेडी को तो वो रुक गए एंड विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स उन्होंने दरवाजा खोला एंड मैम प्लीज कहकर उन्होंने पहले जाने का इशारा किया। शायद आज के एक्टर्स को लेनी चाहिए दिलीप कुमार साहब से जेंटलमैन बनने की टिप्स।